गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्तर को दिखाऊंगा तो पूरा यहाँ पर ना इतना सारा बिस्तर है, पूरा वजन ढो के सोना पड़ता है क्योंकि ठंड इतना ज्यादा है। चलो अपन भी आते हैं। तो भाई साहब यहाँ से मैं उठता हूँ, आगे क्या चल रहा है देश दुनिया में देखते हैं। और ये है हमारा आशियाना कंप्लीट, जहाँ पर दो तीन दिन से अपन यहाँ पर सोते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। अब इधर रहता है पूरा सामान हमारा, और ये बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाय, जर्सी गाय बहुत दूध देती है। गाय नहीं है तो बैल है, ये है गाय। ये वाली गाय दूध निकालने के लिए बहुत परेशान करती है भाई। ये बच्चा अरे बंदर आ गया, प्योर जर्सी नहीं करता है उतना, प्योर जर्सी नहीं करता है। मतलब ये देहाती कभी है ना, मतलब अच्छा है, प्योर जर्सी से अच्छा है, बस ये लात मारने वाला वो दिक्कत है। हाँ, लात मारने के ज्यादा चांस रहते हैं। गुत्तू तो लगता होगा। गुत्तू यादव बोला मेरे को। हाँ। उसका गुत्तूपन भगा नहीं है, ज्यादा दूर नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उसको थोड़ा सा वो वाला रस्सी नहीं है दादी, तो बोरा बांध लड़ाती कर, तो ही रस्सी में पूरा शरीर लग घस रहे, मतलब गुदगुदी लगता है इसलिए मारते हैं ऐसा। चल गुदगुदी सहन नहीं लगता इसीलिए। तो इसको दूध ढूंढने के लिए, दूध निकालने के लिए एक आदमी बछड़ा को पकड़ते हैं और ऐसे बांध के दो लोग दूध निकालते हैं आपस में। और यहाँ पर वाटरफॉल की आवाज़ हल्की हल्की आती रहती है, यहाँ पर खेती बाड़ी चल रही है। कितना दूध देती है गाय जुड़े हुए? एक और लाना बड़े करने बाल्टी। एक किलो दूध दे देती है? डेढ़ लीटर, दो लीटर निकल जाए। डेढ़ दो लीटर, अरे वाह बहुत है। तो भाई साहब सुबह सुबह का शुरुआत ऐसी होता है, जब मैं सो के उठता हूँ यहाँ पर तो यहाँ दूध दुहना चालू हो जाता है और बड़ा मशक्क़त के साथ दूध दुहते हैं, क्योंकि तीन चार लोग यहाँ पर पकड़ते हैं, पैर को पकड़े हैं, बछड़ा को पकड़े हैं और दूध निकालते हैं। और पैर इसलिए झड़कते हैं क्योंकि उसको गुदगुदी होती है। एक बाल्टी में आया हूँ। ओह माय गॉड, एक ठुकाए का इतना? हाँ, एक ठुकाए का, इसमें भर जाएगा, बड़ा वाला है। अच्छा। हाँ, कुछ दिन के बाद अब हो गया ना, इतने निकालो। हो गया। वाह यार, नोनी का तो टेडी बियर, नोनी से बहुत बड़ा है। है ना नोनी, कितने साल की होगी भाभी ये? और एक महीना फिर 6 दिसंबर को एक साल होगा। 6 दिसंबर है अभी, आने वाला दिसंबर। चल अब चलना सीख जाए। ए पहुंच गई, पहुंच गई विनर विजेता। तो गाइस एकदम फ्रेश ताजा दूध निकाल लिए हैं और चाय पीने की तैयारी है। चाय पीने के लिए बोला जा रहा है घर में, और हम लोग कर रहे हैं ये दातून। और ये जो पानी मैं दिखाऊंगा आपको, ये आ रहा है पहाड़ों जंगलों से, एकदम बिल्कुल पौष्टिक जड़ी बूटी वाला पानी है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक गांव और गांव है ना आगे? हाँ। कौन सा जनजाति है? मझवार जनजाति है। मझवार है, और एक कोरवा भी जनजाति है। कोरवा भी है और कुछ पैंकरा लोग भी रहते हैं। अरे वाह, इधर जाते पहाड़ चढ़ के? हाँ। बाप रे, अभी ले जाऊंगा ना, जाएंगे वहाँ पर। क्या बात है, चाय पी के अभी जाएंगे वहाँ पर। ये पानी का उपयोग पीने के लिए करते हैं जूते भाई? पी सकते हैं, पी सकते हैं। गंदा कर कलर कैसे बदला, मैं बोल रहा हूँ कलर बदल, मैं देखा कलर क्यों बदल गया। पाइप यहीं तक लगा है बस, और यहाँ से आ रहा है पानी नेचुरल, तो ये बरसात में बहुत अच्छे से आता होगा पानी। इसमें नाली में नहीं होता है हाँ। पानी अच्छा, बरसात में तो नहीं, ठंड तो मतलब बरसात के बाद ठंड में हाँ। एक महीना डेढ़ महीना हाँ। भर के आता है अच्छा पानी। अभी आएगा अभी पानी हाँ। कितने दिन तक चलेगा ये? अभी और कुछ दिन, दो तीन महीने, एक महीने चल जाएगा। एक महीना चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा। वाह, जल्दी भी सूख सकता है, बहुत साफ एकदम फिल्टर होकर आता है ना एकदम से। उपका कहाँ था भैया?
जो जमीन के नीचे रहता है इतना लगभग नीचे आपका क्या मतलब जांघा या कमर तक इतना नीचे रहता है इसका कांदा ऊपर ऊपर रहे ऊपर वाला कांदा है ऊपर वाला खाते थे हर दो रहे जमीन नीचे अच्छा वो दूसरा है करू कांदा ये करू कांदा है ना करू कांदा जो कल लेके आ रही सोल देखे रहने वाला हां इतना बड़ा नहीं रही सोल भाई साहब ये करू कांदा कल माता जी ली थी यहां पर एक माता राम आई थी बेचने के लिए तब अच्छा उबाल दिए हां खा के देखते हैं खुद टेस्ट नहीं किया हां भैया काफी अलग आलू टाइप का लग रहा है थोड़ा सा हल्का कड़ू है कड़वा है कड़ू कांदा है कड़ू कांदा खाने में आलू जैसा लग रहा है बस कड़ू है थोड़ा सा नमक कम है थोड़ा नहीं नमक नहीं नमक ही नहीं डालते नमक डाल के दूं खाएगी रे खत्म हो गया लाल चाय पिया जाते हैं ठीक है जब तक है तब तक चलने दो ओ देख क्या बना दिया मजा आ गया दोनों को क्या दोस्तों जब से अपन यहाँ पर आए हैं तब से इस रास्ते में एडवेंचर रोज के रोज दिन होता है देख सकते हो भाई यहाँ पर से बाइक पार करके ले गया और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं दूर दूर से पिकनिक मनाने के लिए बहुत ब्यूटीफुल सा एक पिकनिक स्पॉट है नदी है ब्रिज है पहाड़े हैं चट्टाने हैं मतलब ना औसम है घुनघुट्टा डैम का पानी यहाँ पर आता है देख सकते हो यहाँ पत्थर है पत्थर है और इस तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारे लोगों का भीड़ अभी से जमा होना चालू हो गया है क्योंकि रोज़ दिन यहाँ पिकनिक मनाने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ आते हैं यहाँ पर लोग तो अभी यहाँ पर पार करते हैं अपन फिर पहुँचेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए